देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास ये अर्थ है और ये स्मॉल आर है और मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो मुझे यहाँ मास नहीं चाहिए, मैं सीधा वी निकाल दूंगा, कितना, माइनस जी प्लैनेट का मास डिवाइडेड बाय आर। और अगर मुझे सरफेस ऑफ अर्थ पे निकालना है तो मैं वी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये आंसर है, फॉर्मूला क्लियर है। सबसे पहला काम है फॉर्मूले को याद करना कि किस में क्या फॉर्मूला लगेगा, किस में आर स्क्वायर है, किस में जी एम एम है, किस में एम है, तो प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर वन क्लियर। जैसे आपको क्वेश्चन में वो देगा कि मान लो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू, और पोटेंशियल के यूनिट्स होते क्या हैं वैसे, जूल पर केजी, क्योंकि ये होता क्या है, पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला है एनर्जी बाय मास, तो जूल पर केजी। तो वी वन की वैल्यू यहाँ पर मान लो, सपोज यहाँ पर वी वन की वैल्यू -10 जूल पर केजी है, यहाँ पर वी टू की वैल्यू -20 जूल पर केजी है, इमेजिन। और ये डिस्टेंस लेट अस सपोज 1 मीटर, ये 1 मीटर है, आपको नेट पोटेंशियल ओ पे निकालना है क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपको नेट पोटेंशियल ओ पे निकालना है, कौन लगाएगा ओ पे पोटेंशियल, वहाँ पे तो मास पड़ा नहीं हुआ, चाहिए भी नहीं है, उसके आस पड़ोस के मासेस लगाएंगे। तो आस पड़ोस के मासेस में एक तो ये अच्छा इसमें मासेस क्या है, तो वी दे ही रहा है, तो ये तो रादर मैंने क्वेश्चन ही सही नहीं पूछा, मुझे ऐसे पूछना चाहिए, आई एम सॉरी, मेरे को ऐसा पूछना चाहिए, मैं मास देता हूँ तो मेरे को वी नहीं देता, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछूंगा। आपको ये मास एम गिवन है, चलो ये एम गिवन है, और मान लो ये ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस है, और आपको यहाँ पर वी निकालना है, तो वी कौन लगाएगा, आस पड़ोस के मासेस लगाएंगे। आस पड़ोस के मासेस में एक ये मास है, तो ये कितना लगाएगा, माइनस जी एम बाई क्या लगाएगा, ए लगाएगा, और दूसरा मास कितना लगाएगा, माइनस जी एम बाई ए लगाएगा, सिंपल है ना। इसमें कोई कॉम्बिनेशन मत बनाना, इसने लगाया उसने लगाया, ऐड करना, और वेक्टर तो बिल्कुल भी मत करना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसमें कुछ नहीं करना, आस पड़ोस के मासेस का पोटेंशियल और ऐड कर दो, बात ही खत्म, कुछ करना ही नहीं है इसमें। सबसे आसान क्वेश्चन पोटेंशियल का है, क्योंकि पोटेंशियल निकालने में कुछ करना ही नहीं है, बस ऐड करते रहो आंसर। और पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पर निकलता है, सिस्टम का नहीं निकलता, पता लगे एम वन एम टू एम थ्री का पोटेंशियल पेयर में निकाल रहे हो, मत निकालना, एक पॉइंट किसी भी मास का किसी पॉइंट पर निकलता है, एनर्जी नहीं निकलेगी पॉइंट पर, एनर्जी सिस्टम की है, पोटेंशियल पॉइंट का है, फोर्स भी एक पॉइंट पे निकलती है, तो किसी मास के ऊपर फोर्स निकलती है, यहाँ तक क्लियर है। आप ऐसे कितने भी क्वेश्चन ले लेंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज दो मासेज हैं, एक मास एम है, ये ए है, ये आर है, ये ए है, ये एम है, और मुझे यहाँ पर पोटेंशियल निकालने क्या है। अब देखो ना, ई निकालने में कितना झंझट था, पहले ई लो, ई वेक्टर लो, थीटा लो, कंपोनेंट्स लो, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ये लो उठाओ, वी यहाँ पे निकालना है तो इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो, तो इसका डिस्टेंस है कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिस्टेंस भी क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये मास यहाँ पे जाके पोटेंशियल लगाएगा कितना, माइनस जी एम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाला मास क्या लगाएगा, सेम लगाएगा। अब ये कौन सा वेक्टर है, ऐड कर दो, इंटू टू कर दो आंसर, कुछ करना ही नहीं है। जैसे ये आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का ये मास एम है, ये ए है, ये एम है, ये ए है, ये एम है, ए है, एम है, आपको इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। अब देखो ना, ये जो मास है इसका डिस्टेंस कितना है, ए बाई रूट टू, तो ये मास क्या करेगा, जी एम बाई ए बाई रूट टू करेगा, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ये भी सेम करेगा, ये भी सेम करेगा, ये भी सेम करेगा, तो सीधा रिजल्ट को 4 कर दो ना, ये कौन सा वेक्टर है कि कैंसिल होंगे, तो ऐड ही होंगे, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा।